हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल आई पेपर क्लासेस। टुडे आई द डिस्कस ऑफ ए फंडामेंटल मैथ्स अर्थमेटिक ऑपरेशन। ठीक है, तो जैसे कि दोस्तों आप सभी लोगों को पता होगा, मैं दोस्तों आपके डेली आपके लिए लेके आता हूँ मैथ्स की क्लास, जिसमें मैं दोस्तों आपको कराऊंगा आज एक नया टॉपिक, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन। तो सबसे पहले मेरा सभी को, आप सभी लोग कैसे हो, सबसे पहले मुझे एक बार थम्सअप करके बताइएगा कि आप सभी लोग एकदम बढ़िया हो, मस्त हो, आई होप। तो सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, गुड इवनिंग। तो देखिएगा दोस्तों, आज का जो क्लास का सेशन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैं दोस्तों आपको करा रहा हूँ एक नया टॉपिक, जैसे कि मैं आप सभी लोगों को बता भी चुका हूँ, ठीक है ना, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशनल मैथ्स। ठीक है, तो मैं ये सोच रहा था दोस्तों कि इसमें एलजेब्रा भी इंक्लूड कर लूँ कि नहीं करूँ, एक बार आप मुझे थम्सअप करके बता देना कि सर इसमें एलजेब्रा भी इंक्लूड कर लो आप। ठीक है, एक बार आप मुझे बता देना, क्योंकि दोस्तों फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन भी और प्लस एलजेब्रा, ये आपका दोस्तों एक जैसा ही हो जाना है। ठीक है, एक जैसे हो जाना। और दूसरी बात दोस्तों, आपका जो ना आपके एग्जाम के बीच में जो टाइम बच रहा है केवल 1 मंथ का ही है, मुश्किल से 1 मंथ भी कम ही है। ठीक है ना, 20-25 एक दिन आपके लिए बच रहे हैं, तो इसलिए दोस्तों मैं आपसे पूछना चाह रहा था, एक बार आप मुझे थम्सअप कर देना, कमेंट कर देना कि सर इसमें ही इंक्लूड कर लो। ठीक, आप कह दोगे तो मैं दोस्तों इंक्लूड कर लूंगा, फिर उसके क्वेश्चन भी मैं इसमें ही क्या ले आ करूँ, साथ के साथ में ले आ करूँगा। ठीक है ना, क्योंकि एलजेब्रा हुआ, फंडामेंटल हुआ, आपका नंबर सिस्टम हुआ, दोस्तों ये सारा कुछ दोस्तों एक ही कैटेगरी के क्वेश्चन बनते हैं इसमें सारा कुछ। बाकी मैंने टॉपिक वाइज आपको बता चुका हूँ, जाके देख लेना, मेरी एक सीरीज बनी हुई है दोस्तों, उसमें जाके देख लेना। ठीक है, मैथ्स की क्लास है दोस्तों, उसमें मैंने सारे पॉइंट्स आपको नोट कराए थे, क्या क्या किस में से कौन सा आना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों सेशन को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक यही रिक्वेस्ट है कि जितने भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो नए बन रहे हैं चैनल पर, सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में दोस्तों जितने भी आइकन होंगे उसमें बेल के वो सारे दबा लें, जिससे आपके पूरे पास मतलब आपके पास पूरी की पूरी अपडेट पहुँच सके। और दोस्तों थोड़ी देर बाद में, यानी कि अभी 1 घंटे बाद आपके लिए दोस्तों एक जनरल साइंस की क्लास स्टार्ट होगी। ठीक है, ये भी दोस्तों आपके लिए डेली क्लास होती है, जिसमें 25 क्वेश्चन कराता हूँ मैं आपके, किसके दोस्तों, साइंस के। ठीक है ना, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, तो उसमें भी आप आना ज़रूर। ठीक है, तो चलिए दोस्तों सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे बोर्ड मास। ठीक है, तो दोस्तों इसमें कुछ हम मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपकी होती हैं दोस्तों क्वेश्चन को करने के लिए, पहले वो कॉन्सेप्ट या फिर ट्रिक समझ लेते हैं दोस्तों। बोर्ड मास से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएंगे दोस्तों इस तरीके के। ठीक है, जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे इधर की तरफ, तो इन क्वेश्चनों को आप सोल्व कैसे करोगे, आप सोल्व करोगे दोस्तों इस वाली ट्रिक से। ये होती है बोर्ड मास, जो आपको सिखाई जाती है दोस्तों आपकी थर्ड क्लास में। ठीक है ना, कौन सी क्लास में दोस्तों, आपकी थर्ड क्लास में सिखाई जाती है दोस्तों मैथ्स में। मैथ्स में किस तरीके से आपको क्वेश्चन सोल्व आउट करने होते हैं, तो हमें दोस्तों सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करना होता है। ऑफ मतलब दोस्तों किसी भी तरीके से का होता है, इसे हिंदी में कहते हैं का। ब्रैकेट में दोस्तों आपका होता है स्मॉल ब्रैकेट, फिर आपका दोस्तों ये होता है ग्रेटर ब्रैकेट है दोस्तों, आपका होता है मिडिल ब्रैकेट, बार वाला ब्रैकेट। तो हर कैटेगरी का दोस्तों ब्रैकेट को आप अकॉर्डिंगली सोल्व करोगे, वो सारा कुछ बताऊंगा दोस्तों, किस तरीके से डिवाइड करोगे, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद एडिशन, फिर उसके बाद सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको दोस्तों ये वाले क्वेश्चन करने होते हैं। ऐसा तो यानी कि दोस्तों आपने क्या किया, 500 + 10 जोड़ दिया, हो गया क्या 510, ऐसा कर सकते हो क्या, ऐसे तो कभी नहीं करोगे ना, क्योंकि एक इनको दोस्तों करने का एक तरीका होता है दोस्तों, तरीका, वो तरीका दोस्तों ये आपसे ये है, ये वाला जो बोर्ड मास का फॉर्मूला होता है ना दोस्तों, BODMAS। ठीक है, बोर्ड मास का जो होता है वो, इसके आप अकॉर्डिंग चलना है। ठीक है ना, किसके, इसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है। ठीक, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मास, सॉरी मल्टीप्लाई एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इसी के बिहाफ पे आपको चलना है। ठीक है, तो बोर्ड मास के इसमें रूल दिए हुए हैं स्टूडेंट्स, बोर्ड मास रूल इन मैथ्स। ठीक, देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है कुछ जो आपके, पहले हम उन रूल को क्या कर लेते हैं दोस्तों, याद कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन करते हुए, तो हमें दोस्तों सबसे पहले ब्रैकेट को हल किया जाता है। सबसे पहले हम ब्रैकेट हल करेंगे, वो भी आपका बार वाला, इसे कहते हैं दोस्तों आपका बार ब्रैकेट। ठीक है ना, बार वाला, जैसे आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ, ये वाला, इसके ऊपर लिखा हुआ दोस्तों इन दोनों के ऊपर बार, इस तरीके से। तो पहले आप इसको सोल्व करोगे, ना कि इस वाले ब्रैकेट को। ठीक है, फिर उसके बाद दोस्तों आप करोगे स्मॉल ब्रैकेट जो होता है दोस्तों, स्मॉल ब्रैकेट उसको सोल्व करोगे। फिर उसके बाद करोगे आप दोस्तों कौन सा, करली ब्रैकेट, जिसे कहते हैं दोस्तों मंजिला, मंजिला कोष्टक। ठीक है ना, करली ब्रैकेट सोल्व करेंगे। फिर उसके बाद करेंगे दोस्तों हम स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट, जिसे कहते हैं दोस्तों सबसे बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, समझ में आ रहा है, एक बार थम्सअप कर देना, और दोस्तों अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं सभी के बीच में शेयर कर दो वीडियो को। ठीक है ना, देखिएगा आगे। फिर इस तरीके से दोस्तों आप सोल्व करते हुए, बाकायदा मैं आपको दोस्तों थर्ड क्लास में लेके जा चुका हूँ, जो आपकी तीसरी क्लास होती थी उसमें लेके जा चुका हूँ। ठीक है ना, बोर्ड मास के क्वेश्चन में ऑफ का मतलब होता है क्या, मतलब मल्टीप्लाई, गुना करना। ठीक है ना, के स्थान पर गुना भी कर सकते हैं, इस तरीके से हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आपके क्वेश्चन में क्या दे रखा है। ठीक है ना, फिर सम से मतलब दोस्तों क्या होगा, सम से बाद, इसके तरीके इन सभी फॉलो को करने के बाद डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन और आपका दोस्तों फिर एडिशन। ठीक है ना, और फिर आपका होगा दोस्तों सब्ट्रैक्शन।
कौन सा होगा सब्ट्रैक्शन। तो कुल मिला के दोस्तों आपने सारी की सारी जितनी भी इसमें दोस्तों स्टेप हैं वो सारे कुछ सीख लिए, सारे कुछ सीख चुके हो। एक बार मुझे आप बताइएगा, एक बार थम्सअप कर देना कि सर हमारी समझ में आ गया है। आ गया दोस्तों, मैं आपका क्वेश्चन स्टार्ट करना करता हूँ। स्टार्ट जरा इस क्वेश्चन का आप मुझे आंसर दीजिएगा जो आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, दीजिए मुझे आप इसका आंसर दीजिए बहुत फास्ट तरीके से, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर दो मुझे फास्ट, ठीक है, ये वाले का करो जल्दी से, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। आपको मैंने क्या बताया दोस्तों, सबसे पहले हम ब्रैकेट सोल्व करेंगे। ब्रैकेट में दोस्तों सबसे पहले हम करेंगे कौन सा, बार बार वाला, इसमें ब्रैकेट है ही नहीं, तो फिर आपका दोस्तों छोटा वाला का, छोटा वाला है इसमें, ये रहा, ये तो है छोटे वाला दोस्तों, ये वाला। तो इसमें से दोस्तों कितना जाएगा इसका, 30 और 20 50, ठीक है इस तरीके से। तो फिर आपकी दोस्तों ये वाला ब्रैकेट आएगा, ये वाला जो मंजिला मंजिला बोलते हैं दोस्तों इसका, करली ब्रैकेट ये जो लिखा हुआ है, ये जो बना हुआ है, तो ये वाला भी हम सोल्व आउट करेंगे, ठीक है ना। मैं दिखा देता हूँ आपको, तो इसके मतलब कुल मिला के क्या जाएगा दोस्तों, यहाँ से इसका आपको इस तरीके से क्वेश्चन को करना है, ठीक है। 500 प्लस ब्रैकेट ये वाला 10, ये कितना हो गया दोस्तों आपका 50, ठीक है। फिर ये वाला करली ब्रैकेट, फिर ये बड़े वाला ब्रैकेट जो आपका दोस्तों कंप्लीट है, ठीक है ना। फिर बाहर आपका कितना है दोस्तों 20। यहाँ तक समझ में आ गया हो थम्सअप कर देना, मैं आपको एक एक स्टेप बता दे रहा हूँ बस, फिर अगली बार से हम तेज़ी से करेंगे, ठीक है ना। तो इतना आ गया दोस्तों आपका 500 प्लस, यानी कि इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी आपस में, क्योंकि आपका दोस्तों ये वाला कर ली, ये जो स्मॉल ब्रैकेट था तो खत्म हो चुका है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का चिन्ह आ जाएगा। तो कितना दोस्तों 500, ठीक है। फिर कंप्लीट यहाँ पे सॉरी मैं भी आपको दोबारा बता दे रहा हूँ क्योंकि थोड़ी सी मिस्टेक हो गई यहाँ पे, ये गलत लिखा गया, ठीक है। देखना जरा, ये 500 हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये प्लस फिर ये वाला ब्रैकेट आपका 10 गुना, ये आपका हो जाएगा दोस्तों 50, ठीक है। फिर ये वाला ब्रैकेट, फिर इस टोटल के ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा दोस्तों आपका 20, यानी कि 20 से आप इस टोटल को टर्म को क्या करोगे, डिवाइड कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो 50 दाम 500 500 500 1000 अपॉन में आ गया दोस्तों आपका 20। तो कितना आ गया आंसर इसका, बताइए मुझे जरा जल्दी से बताइए कितना आ गया, 20 से जब आप 1000 को डिवाइड करो तो कितना जाएगा 50, ठीक है। आया समझ में, इस तरीके से क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हो, सोल्व आउट कर सकते हो। अभी मैं आपको दूंगा दोस्तों, ये तो आपको बहुत ईजी सा लग रहा होगा क्वेश्चन, अभी जरा आप करके दिखाना तब जानेंगे, अभी मैं दूंगा आपको। जरा आगे चलते हैं धीरे धीरे, इस क्वेश्चन को जरा देखिएगा, इसमें अगर जैसे दोस्तों इस क्वेश्चन को इसी तरीके से दे रखा हो, अगर बार भी इसी तरीके से लगा हुआ हो, तो सबसे पहले आप कौन से कि मतलब किसको सोल्व करोगे। पहले हम करते हैं दोस्तों बार वाला जो सबसे छोटा होता है दोस्तों, मैंने कि देखिएगा ये तो अलग ही है ना क्वेश्चन इससे, तो ये 7 गुना, ठीक है। फिर ये बड़ा ब्रैकेट हो जाएगा 6 प्लस छोटा ये वाला जो दोस्तों मंजिला होता है आपका दोस्तों करली 3 प्लस, यानी कि 8 में से 2 गए 6, क्या होगा दोस्तों 8 में से 2 गए, अगर ऊपर 12 है, मैंने अपनी तरफ से लगाया तो ये देखिएगा प्लस 6, फिर ये वाला ब्रैकेट, फिर बड़े वाला ब्रैकेट, ठीक है। तो 7 गुना, जरा ध्यान दीजिएगा, ये बड़ा ब्रैकेट आपका 6 प्लस, ये कितना होगा दोस्तों 9, 9 और 6 15, ठीक है, 9 और 6 15, और 15 गुना 7 105, बताइए कोई प्रॉब्लम हुई क्या, समझ में आ गया तो थम्सअप करो और आगे चलते हैं दोस्तों। आप भी क्वेश्चन को मेरे तरफ ध्यान मत दिया करो, अगर आपको हो रहा है, आपको बन पा रहा है तो करा करो, ठीक है ना, कमेंट किया करो, मैं आपका वेट करता रहता हूँ, ठीक है ना। तो आप भी करो, मैं भी कर रहा हूँ, आप पॉज कर लिया करो वीडियो को, ठीक है ना। तो देखिएगा दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या दे रखा है, चलो इसको आप सोल्यूशन आप इसका, चलो मैं ही कर दूँ या चलो आप करो इसका सोल्यूशन, ठीक है, आप मुझे, मैं वेट कर रहा हूँ आपका, जरा करिए इसका सोल्यूशन, बताइए मुझे क्या होगा बहुत फास्ट, ठीक है। फिर मैं इस क्वेश्चन को करूँगा, इस क्वेश्चन का आप मुझे आंसर दीजिए, इस वाले क्वेश्चन का, ठीक है, कमेंट में। इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए दोस्तों, 2 × 4 इस तरीके का दोस्तों क्वेश्चन दे रखा है, ये देखिएगा ये वाले क्वेश्चन जो मैं आपके लिए कह रहा था दोस्तों, कि अच्छे क्वेश्चन है ये वाले, ये आपके एग्जाम में आएंगे निश्चित है, एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है ना, इस तरीके का। तो कुल मिला के दोस्तों आपका एलजेब्रा और दोस्तों आपका बन जाता है क्या, फंडामेंटल वाला, दोनों थे जो दोनों चैप्टर, मैं सोच रहा हूँ कि एलजेब्रा इसमें इंक्लूड कर लूँ, एक बार मुझे बता देना आप कमेंट करके कि सर इसमें इंक्लूड कर लो, फिर मैं बहुत आसान होगा पढ़ाना, ठीक है। तो फंडामेंटल और अलजेब्रा से आपके कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन आएंगे, 7 से 8 क्वेश्चन आएंगे स्टूडेंट्स, तैयार रहना बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है ना। इसमें आपके दोस्तों आपके ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये सारा कुछ मैं सोच भी रहा था आज के लिए, पर आज के लिए मैं क्योंकि अलजेब्रा में होता है दोस्तों ये, इसलिए मैंने इनको इंक्लूड भी नहीं किया, पर इनको कल की क्लास में उम्मीद है मैं आपको इंक्लूड कर दूंगा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को दोस्तों हम करते हैं, देखिएगा जरा, 2 × (4) माइनस के ब्रैकेट स्टार्ट 4 माइनस के, ये आपका दोस्तों कर्ली ब्रैकेट हो गया, फिर 4 + 2, इनमें दोस्तों आपकी जो है ना मिस्टेक होने के बहुत बहुत रेयर चांस होते हैं दोस्तों, क्यों, क्योंकि सिली मिस्टेक आपको गड़बड़ कर देगी, पूरा क्वेश्चन का क्वेश्चन खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों आपका पूरा क्वेश्चन, ठीक, आया समझ में।
तो 2 4 8, ये तो आ गया सीधा सीधा, माइनस के 4, 4 माइनस के, ये वाला ब्रैकेट दोस्तों 4 प्लस 2 इस तरीके से दे रखा आपका, ठीक है ना, 4 प्लस 2 प्लस, ठीक है, फिर ये वाला ब्रैकेट। पहले तो हम करेंगे दोस्तों क्या, डिवाइड, क्योंकि बोर्ड मास का फॉर्मूला होता है बी ओ डी एम ए एस, ठीक है, तो पहले क्या आ रहा है हमारा, डिवाइड आ रहा है ना स्टूडेंट्स, डिवाइड, तो डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे दोस्तों, 2 से 2 कट जाएगा तो कितनी बार जाएगा, एक बार, ठीक है ना, ये प्लस है, सॉरी ये प्लस है, ठीक, तो 3 प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पे। मैं सारा कुछ स्टेप करके बताऊंगा आपको, जरा ध्यान दीजिएगा बस, 8 माइनस के 4 माइनस के दोस्तों आपको हो जाएगा 4 प्लस 2 प्लस 4, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर जरा देखिएगा इसमें से क्या जाएगा आपका, ये सारे के सारे टर्म जो आपके देख पा रहे हो ये कुल मिला के सारे ऐड हो जाएंगे, क्योंकि हमारा ये वाला छोटा ब्रैकेट खत्म हो जाएगा, 4 4 और 2 6 और 4 10, फिर आपका दोस्तों यहाँ पे रखा ये वाला ब्रैकेट, ठीक है, ये वाला ब्रैकेट, तो ये वाला ब्रैकेट भी आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो दोस्तों आपका करली ब्रैकेट भी खत्म हो जाएगा, तो आपका कौन सा बचेगा, बस एक सिंपल सा जो बचता है वो आपका ये बचेगा, माइनस के 4 ये वाला ब्रैकेट, ठीक है, और बाहर हो जाएगा दोस्तों 8 माइनस के, तो ये कितना हो गया दोस्तों आपके, 10 में से 4 गए 6, माइनस के बचेंगे माइनस के 6, फिर बाहर दोस्तों ऑलरेडी ही इन्होंने क्या दे रखा है, एक माइनस के दे रखा है ये 8, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 8 और 6 कितने हो जाएंगे दोस्तों आपके 14, बताइए समझ में आया कि नहीं आया। इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने निश्चित हैं, ठीक है, आने निश्चित हैं, इस क्वेश्चन का आप आंसर कर ही दोगे, कर भी दिया है काफ़ी स्टूडेंट ने। अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जरा ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को आप, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को जो आपके दे रखा है ये वाला, इसको कैसे करेंगे, और इसको आप करिए, इसको आपको करना है, ठीक है ना, ये वाला क्वेश्चन आप करिए और मैं इसको कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, तो ये दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है उस पर ध्यान देंगे हम जरा, ये जो है 10 × 8 इस तरीके का क्वेश्चन जो है, इसमें जरा देखिएगा क्या कर रहे हैं हम, 10 × 8 / 4, ठीक है, 20, ये आपका दोस्तों क्वेश्चन है अगला, ठीक, 20 + 5 × 2 ब्रैकेट, फिर डिवाइड माइनस के 5 का स्क्वायर, कमेंट कर दो आप, अगर आपका क्वेश्चन हो पा रहा है तो कमेंट कर दीजिए मुझे, बहुत जल्दी ही मैं आपका वेट कर रहा हूँ, ठीक है ना, देखिएगा जरा इसमें क्या कह रहे हैं जरा दोस्तों, आपको पहले डिवाइड करना है, डिवाइड करने के लिए सीधा सीधा डिवाइड करो, 4 × 2 = 8, ठीक है ना, सीधा सीधा कट गया, ये 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों 25, ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों 10 × 2 यानी कि 20, कुल मिला के सीधा सीधा हम गुना कर देंगे ना, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं यहाँ पे, तो यहाँ कितना 5 × 2 = 10 और 20 = 30, ठीक है, और बाकी दोस्तों इसको डिवाइड करना है, डिवाइड करने के लिए सीधा सीधा नीचे ले जाऊंगा, क्योंकि इसका मतलब भी तो ये होता है 1/2, यानी कि दोस्तों इसका 1/2 तो कुछ होता है, यानी कि 1/25, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर कैसे, -5 - 5 मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों 25 हो जाएगा, आपको इसको कर सकते हो, तो 5 पूरे 25, 5 × 6 = 30, 5 से 2 = 4 बार 4 × 6 = 24, कितना आ गया 24, इसका आंसर आ गया आपका 24, जरा बताइए किस किस का 24 आ रहा है, थम्स अप करो बहुत फास्ट, आ गया सभी का, तो देख लो, अगर नहीं आया तो देख लो दोस्तों किस तरीके से मैंने इसको सोल्व आउट किया हुआ है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों जो आगे मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, इस क्वेश्चन का आप आंसर मुझे दे देना कमेंट में, कल की क्लास में इन दोनों का आंसर मैं आपको बता दूंगा, इसका भी और आपका दोस्तों इसका भी, ठीक है, बताइए, ठीक है ना, तो चलिए दोस्तों आगे चलता हूँ, अगला आगे जो आप देख पा रहे हो, फाइंड द डिजिट, कुछ क्वेश्चन दोस्तों आज जो है ना आपकी बेसिक क्लास है, बेसिक क्लास है, ठीक है ना, इसमें आप मुझे कमेंट मत करना कि सर आप क्या समझा रहे हो, ये इजी पीजी क्या समझा रहे हो, तो ये बेसिक क्लास है, इसलिए फंडामेंटल समझ दो ना, फंडामेंटल आपकी दोस्तों जो न्यू है ना दोस्तों, उसकी जो आपकी जो न्यू है वो मजबूत करने के लिए आपको बेसिक तो कराना ही पड़ेगा। आप मुझे बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर, अगर आप मैं आपसे पूछ लूँगी दोस्तों, एक जैसे आप मान लीजिए एक डिजिट हो गई, जैसे इसमें दोस्तों यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे कितनी डिजिट लिखी हुई है, 1 0 3, यहाँ पे कितनी डिजिट है, 1 2 3, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूँ कि नंबर ऑफ डिजिट कितनी है, तो आप बताओगे सर इसमें 3 है, जैसे मैं आपसे पूछूँ कि 1005 में कितनी डिजिट है, सॉरी 1005 में, तो चलो कोई बात नहीं, 10055 में कितनी डिजिट है, 1 2 3 4 है ना, 5, 1 2 3 4 5, इस तरीके से तो बताओगे कि सर 5 डिजिट है। मैं आपसे पूछूं कि 9999 में कितनी डिजिट है, तो 1 2 3 4, ऐसे तो बताओगे कि सर 4 है, गिनकर ही तो बताओगे, तो बताइए 1 से लेकर 10 तक कितनी डिजिट है, 1 से लेकर 10 तक कितनी डिजिट है, तो बताना जरा मुझे फास्ट, इतने में इसको थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ, वेट कर रहा हूँ मैं आपके आंसर का, ठीक है ना, बताओ मुझे दोस्त, जल्दी जल्दी बताओ सभी के सभी, देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम स्टूडेंट, ठीक है,
इस क्वेश्चन को हम करेंगे फाइंड द डिजिट ऑफ 1 टू 10, 1 से लेके आपको दोस्तों कितने तक याद करनी है, 10 तक याद करनी है। तो ठीक है, तो 10 में सबसे पहले हम दोस्तों हम अगर 9 तक गिने तो 9 तक कितनी हो जाएंगे, जरा ध्यान दीजिएगा, 1 से लेके 9 तक कितनी हो जाएंगी दोस्तों, 9 टर्म। ठीक है ना, सीधी सीधी 9 × 1 इज इक्वल टू 9 टर्म, क्योंकि दोस्तों हम अगर देखा जाए तो। अब एक 10 वाली बचती है दोस्तों आपकी, 10 वाली में कितनी हो जाएंगी आपकी बताइए मुझे, 10 वाली में कितनी हो जाएंगी, 1 और 2। ठीक है, तो कुल मिला के दोस्तों कैसे, 9 और 2 11, 1 से लेके 10 तक की कितनी डिजिट है टोटल, सॉरी 1 से लेके 10 तक की टोटल है 11 डिजिट है। ठीक है, आया समझ में मुझे, एक आप बात बताइए समझ में आया कि नहीं आया आपको कि सर आ गया है। जैसे 10 वाली में मैंने 2 कैसे लिखी, क्योंकि आपको दिख रहा है ना 1 और 1, जैसे आप इसको करोगे ना दोस्तों इस तरह के 1 गुना, अगर 2 डिजिट है तो 2 से गुना कर दोगे तो ऐसे आ जाएगा दोस्तों आपका 2। ठीक है ना, यहाँ पे 1 से लेकर 9 तक की 1 डिजिट है, इसलिए मैंने 1 से गुना करी। अगला क्वेश्चन बताता हूँ जरा, इसमें 1 से लेकर 10 तक कितनी डिजिट आ गई दोस्तों आपकी, 11। अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखना, इसमें जो आपको बताने की कोशिश करता हूँ जरा समझना इसको, फाइंड द डिजिट ऑफ 10 to 99, 10 से लेकर 99 तक की डिजिट आपको बतानी है मुझे, जरा उसका कमेंट करो मुझे आंसर पहले आपकी, तो देख लूँ मैं कितनी आ रही है 10 से लेकर 99 तक। इसमें मुझे कुछ नहीं करना दोस्तों आपको, क्योंकि 1 2 1 2 तो सीधा सीधा 2 से तो मल्टीप्लाई करनी ही करनी है। ठीक है, 2 से तो मल्टीप्लाई करनी ही करनी है। अब आप इसको ना इसमें से क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी कि 9 में से गया 8 89 प्लस 1 जो दोस्तों आपने घटाया है 10 10वां नंबर प्लस 1। ठीक है ना, क्योंकि दोस्तों आपने क्या किया 99 में से 10 घटा दिया तो कितना बचा, कितना बचा दोस्तों आपका 89 ही तो बचा, जबकि आपने 10वां नंबर भी तो लेना है ना 10वां नंबर, क्योंकि 10 से भी तो इंक्लूड कर रहे हैं, तो प्लस 1 कितना हो जाएगा दोस्तों 90, और 90 अगर इस तरीके से करोगे तो आपकी कितनी होगी दोस्तों टोटल 180 डिजिट हो चुकी है, यहाँ से लेके 10 से लेके 99 तक कितनी होगी दोस्तों, 10 से लेके 99 तक 180 डिजिट हो चुकी है आपकी। बताइए समझ में आ गया, तो समझ में आ गया तो थम्स अप कर देना एक बार। ठीक है स्टूडेंट, थम्स अप कर दो मुझे फास्ट कि हाँ हमारी समझ में आ गया है। ठीक है चले आगे कराऊं, 10 से लेके अब अगर आपसे पूछा जाएगी 100 से लेके 999 तक में कितनी डिजिट है, कितनी डिजिट है अगर आपसे पूछ ले जाएगी दोस्तों कि 100 से लेके 999 में, तो देखिएगा दोस्तों इस क्वेश्चन को किस तरीके से हम कर रहे होंगे, तो हम स्क्रीन शॉट ले लिया करो दोस्तों, क्योंकि कुछ आप देख ही पा रहे हो ना पूरा का पूरा बोर्ड भरा हुआ है इस वजह से। ठीक है, देखिएगा इसमें से ये वाला क्वेश्चन को आप, मैं आपको बताता हूँ, फिर आप जो है ना इस वाले क्वेश्चन का मुझे आंसर देना, ये जो नीचे लिखा हुआ है ना 786 इसका आंसर देना 100 से लेकर 999 तक। सबसे पहले देखिएगा मैं इसको कैसे करता हूँ, 1 से लेके आप निकालो 9 तक की, फिर आप निकालो 10 से लेकर 99 तक की, फिर आप निकालो दोस्तों 100 से लेकर 999 तक की। क्यों निकालो, क्योंकि दोस्तों इसमें आसानी होगी आपको किस तरीके से करने में, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों एक एक डिजिट है तो 1 की मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे 2 2 डिजिट है तो यहाँ पे आप 2 की मल्टीप्लाई करोगे, 3 3 डिजिट है तो 3 की मल्टीप्लाई करोगे, सीधा सीधा घटा दो आपका आंसर आ गया। ठीक है, 9 में से 1 गया 8, यहाँ पे जैसे आप इसको घटाओगे कितना बचेगा 8, 8 में 1 जोड़ दो, ठीक है 9, तो 9 तो शुरू शुरू में आपके आगे दोस्तों 9। ठीक है ना, ऐसे आप इसमें से घटाओगे तो कितना आया था दोस्तों आपका 99 में से 10 गए 89 प्लस 90, 1 जोड़ दोगे तो 180 हो गई। ऐसे दोस्तों आप इसको इसमें से घटाओगे तो कितना बचेगा आपका 9 9 और 1 8 प्लस के 1 यानी कि 900, कितने होगी दोस्तों 900 बताइए मुझे 900, तो ये कितने होगी दोस्तों 100 से लेके 999 में 900 यानी कि 9 3 2700। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 100 से लेकर 999 तक का पूछा हुआ था, मैं सोच रहा था कि यहाँ पे 1 से लेकर 999 तक का, ये क्वेश्चन आपके ऐसे ही बन सकता है जैसे आपका ये वाला बना हुआ है। ठीक है ना, इसको आप इस स्टेप से कर सकते हो, 100 से लेकर 786 तक लिखो यहाँ पे, समझ में आया दोस्तों, वो बाई मिस्टेक मुझे लग रहा कि यहाँ पे 1 से लेकर 999 तक, कोई बात नहीं, तो आपका जो आंसर आ जाएगा दोस्तों 2700 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2700। ठीक है, तो आप जो ना मुझे इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताओ 1 से लेकर 786 में कितनी डिजिट है, और यही स्टेप फॉलो करना, यही स्टेप फॉलो करना। ठीक है ना, ठीक है आगे चलूं, ठीक, तो देखिएगा दोस्तों आगे आगे क्या कह रहे हैं इसमें, 786 तक तो एक हो गया, ये आपको मुझे बता देना है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जरा ध्यान दीजिएगा, 1 से लेके 588 में, 1 से लेके 588 में कितनी डिजिट है, 1 से लेके 588, 1 से लेके 287, दोनों क्वेश्चन अच्छे हैं, बताइए मैं कौन सा करूँ इसमें से, ये वाला तो आपको करना ही करना है, ये वाला जो आपको मैं ऊपर देके आया हूँ स्टूडेंट,
ठीक है ना। इसका आंसर ही मैं दोस्तों कल की वीडियो में बता दूंगा, कल का जो लेक्चर आएगा दोस्तों शाम के टाइम। तो 1 से लेके 588 वाले को हम करते हैं, चलो कोई बात नहीं, एक तो कर ही दें, ये वाला भी आप करना है, ये वाला 1 से लेके 9 तक का निकाला दोस्तों, कितनी आई हमारे पास में, 9 डिजिट आई थी, 10 से लेके आप निकालोगे दोस्तों 99 तक में कितनी आई थी दोस्तों आपकी, ये आई थी 180, ठीक है, सीधा सीधा 10 से लेके 99 तक की, और 99 से लेके दोस्तों आपकी आ गई 287 तक, 100 से लेकर 287 तक कितनी आ जाएगी दोस्तों आपकी, सीधी सीधी 7, 8 और 1, सीधा सीधा कर दोगे ना आप, घटाओगे इस तरीके से, जब आप इसमें से इसको घटाओगे तो 7, 8, 1 प्लस 1 188 गुना 3, ठीक है, तो ये जाएगा दोस्तों आपका 3 8 जा 24, कैरी 2, 26 कैरी 2, और ये जाएगा दोस्तों 3 और 5, ठीक है, सही हुआ क्या, नहीं हुआ, 3 8 जा 24 4 2, 3 8 जा 24 2 6, और ये हो जाएगा ठीक है ना, 3 1 जा 3 2 5, 564, 564 प्लस 180 प्लस 9, तो यानी कि 189 आपका आंसर आ गया, कितना कितना, ठीक है, 753, 753 डिजिटल के बीच में 1 से लेकर 588 वाले में, ये तो किया था ना, हाँ यही वाला किया था, 753 डिजिट है, ठीक है, हो गया क्वेश्चन तैयार, आगे चलूं, इस वाले क्वेश्चन को भी चलो कर लेते हैं दोस्तों, फिर आप कहोगे कि सर सारा कुछ हमसे ही करा रहे हो, ठीक है ना, फाइंड द डिजिट ऑफ 12287, चलो इसको आप करिएगा 1287 को, इसका आंसर दोस्तों आपका आएगा 1287 वाले का, अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों इसकी भी, इसकी डिजिट आएंगी 12, सॉरी 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 मैंने बाई मिस्टेक, हाँ ये वाला, ठीक है, ये आंसर तो आ गया, ये वाला ही तो क्वेश्चन था, बाय मिस्टेक हो गया, सॉरी भाई, ये वाला यही तो क्वेश्चन था, 753, ठीक है ना, इसका आंसर दोस्तों आपका आ गया 753, ये वाला क्वेश्चन आपको करना है, ये वाला, ठीक है ना, आप समझ गए होंगे, बाकी दोस्तों ऐसा होता है ना इंटरफेरेंस चेंज हो जाता है, जो मैं आगे ऊपर नीचे करता हूँ इस तरीके से, तो ऐसा लगा जैसे कि मैं ये वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं, आप तो समझदार हो ही, तो 1 to 55 888 वाला आप मुझे आप करके बताइए इसका क्या आंसर आएगा, ठीक है, आगे चलता हूँ दोस्तों, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एडिशन की ट्रिक होती है, इन क्वेश्चन को आप सोल्व कैसे करोगे, जैसे ये क्वेश्चन आपके अगर एग्जाम में आ जाए तो आप इन क्वेश्चनों को कैसे सोल्व आउट करोगे, जरा इस क्वेश्चन को देखना, आप अपनी स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे, और किस तरीके से आप करोगे, हाँ भाई बताइए, 7 7 7 7 इस तरीके से तो लिखोगे नहीं आप, इस तरीके से तो नहीं लिखोगे वहाँ पे बैठ के, हाँ भाई मुझे एक बात बताओ, ऐसे तो करने वाले हो नहीं, ऐसे करोगे तो आपकी 1 मिनट गई, 1 मिनट गई, ठीक है, बताइए मुझे ऐसे करोगे क्या, काफी सारे स्टूडेंट हैं जो इस तरीके का स्टेप भी फॉलो कर सकते हैं, ऐसे 0.22 वाले को काटोगे 0.22 सॉरी, फिर इस तरीके से 0.22, पता लगा कि क्वेश्चन ही गलत हो गया, ये कुछ क्वेश्चन जो दोस्तों एग्जामिनर जो देता है ना वो ज्यादा जानकर देता है इस तरीके के क्वेश्चन स्टेप वाले, इसमें आपको लगता है कि अरे बहुत आसान है भाई ये तो, बहुत आसान है मैं इसको कर पाऊंगा, बट पता लगता है कि लास्ट में जाके वो आंसर उनका गलत आ रहा होता है, ठीक है, अब मैं बताऊंगा दोस्तों इनको किस तरीके से आपको करना है, बहुत ही जल्दी, बहुत ही जल्दी, और ये सारा जो दोस्तों आप मैटर लिख के देना, ये वाला, इस मैटर को आप क्या करने लेना, ये वाला, ये जो आप लिखे हो इसको छोड़कर आपको ले लेना है 7 कॉमन सारों में से, यहाँ पे क्या बचेगा, 1, यहाँ पे कितना बचेगा दोस्तों आपका, यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे होंगे 1, ठीक है, बताइए मुझे 1 1, ठीक है ना, इस तरीके से आप अगर देखोगे 7 कॉमन ले लोगे सभी में से, कितना दोस्तों सभी में से, तो कितना बचेगा आपका मुझे एक बात बताइए, इस तरीके से बताओ मुझे एक बार जरूर, इसका आंसर आप पहले आप इसी स्टेप से मुझे करके बताओ, ठीक है ना, फिर मैं आपको ये वाला स्टेप तो बता ही दे रहा हूं, ठीक है ना, पहले आप इस वाले स्टेप से मुझे इसका आंसर बताओ क्या आएगा आपका, बहुत जल्दी से बताओ, बहुत जल्दी से, ठीक है ना, तो देखिएगा दोस्तों अगर इस तरीके से आपके एग्जाम में आए, इस तरीके से भी आए ना, तो देखिए मैं बता दे रहा हूँ आपको, थोड़ा सा अभी हट जाओ भाई, जगह दो, जगह नहीं बच पा रही बार बार, ठीक है, ये आपका 7 कॉमन लोग यहाँ पे दोस्तों, आप जो ना इसकी हायर डिजिट जाके देख लो कितनी है, ये जो हायर डिजिट है वो कितनी है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, कहानी खत्म हो चुकी है क्वेश्चन की, यहाँ पे इसमें मल्टीप्लाई कर लो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, आप इसकी मल्टीप्लाई कर लो आपका आंसर आ जाएगा, देखना जरा इसमें
साक्षिंग 42 का 2 का, हंसी लगी 4, 7 5 35 और 4 39 का 9 का, हंसी लगी 3, 7 6 28 और 3 कितना हो गया दोस्तों 31 का 1 का, हंसी लगी 3 दोस्तों, 7 3 21 और 3 24 का 4 का, हंसी लगी 2, 7 2 14 दो 16 का 6 का, हंसी लगी 1, 7 1 7 और 1 8 ये आपका आंसर आ गया दोस्तों इसका। बताइए इसमें कितना टाइम लगा, मुश्किल से मुश्किल 3 4 सेकेंड लगे होंगे आपके पास, मामूली सी, ठीक है मामूली सी 3 4 सेकेंड लगी है। और दोस्तों इस तरीके का क्वेश्चन आए तो उसमें हायर जो डिजिट है दोस्तों, सबसे पहले सबसे ज़्यादा डिजिट किस में लिखी हो उसको इस स्टेप में लिख दो, उसकी मल्टीप्लाई कर दो, कहानी खत्म इस क्वेश्चन की हो जाती है ऐसे। अगला क्वेश्चन आपको करके बताता हूँ दोस्तों, 0.222 आपको 0.2 कॉमन ले लिया, और जब आपने 0.2 कॉमन ले लिया है दोस्तों तो जरा देखना इसमें कैसे करोगे, फिर आप कितनी है 4 डिजिट है ना इस वाले में टर्म में, 1 2 3 4 मल्टीप्लाई कर लो कितना जाएगा, 2 4 जाए 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, और पॉइंट कितने अंक के बाद है, पॉइंट कितने अंक के बाद है, तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। बस समझ में आया, बताइए मुझे कि सर समझ में आ चुका है, आ चुका है तो आगे वाला क्वेश्चन भी आप करिए, और आगे वाला क्वेश्चन भी आप करिए, ये वाले और ये वाले, ठीक है, और इनके आंसर मुझे कमेंट में दो फास्ट, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन तो आपको करने ही होंगे, करने ही होंगे, ठीक है ना। तो देखिएगा दोस्तों अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको मल्टीप्लाई की ट्रिक, मल्टीप्लाई की ट्रिक बहुत आसान है, जरा ध्यान दीजिएगा बस। वैसे तो आप इसको ऐसे भी लिख के कर सकते हो, 95 गुना 96, अब पता लगा कि इसका आंसर आ जाएगा, 9 5 30 की 0, हंसी लगी 3, 6 5 54 और 3 57, ऐसे करोगे फिर 9 5 जा 45, ठीक है 9 5 जा 45 कैरी 4, 9 9 जा 81 और 4 85, ठीक है ना, इस तरीके से 0 12 ये हो जाएंगे दोस्तों, 5 5 10 अरे 11 9 91 20, ठीक है। तो ऐसे करने में आपको कितना टाइम लग रहा है, और जो मैं आपको बताऊंगा वो तरीका जरा ध्यान देना, अगर आपकी संख्या 100 के नियर अबाउट है, 100 के नियर अबाउट है, लगभग आप 70 प्लस टर्म का ही यूज़ कर सकते हो इस वाली ट्रिक में दोस्तों। ट्रिक जो होती है कुछ ही लिमिट्स तक होती है, बाकी ये तो हमारा कॉन्सेप्ट है ही है, मुझे आप एक बात बताइए, ये तो हमारा कॉन्सेप्ट है ही है ना। तो देखना जरा किस तरीके से हम इसको अप्लाई करते हैं, अगर आपसे एग्जाम में दोस्तों 95 मल्टीप्लाई बाय 96 करके क्वेश्चन आ जा रहा है, तो ये 100 के कितने नियर अबाउट है जरा देखना, 100 में से जब मैं इसको घटाऊंगा तो कितने बचेंगे जरा ध्यान देना, 100 में से 95 घटाऊंगा माइनस के 5 ही तो कम है, ये माइनस के 4 कम है, ठीक है। तो इनका आंसर के लिए आपको दोस्तों एक माइंड में फॉर्मूला इस तरीके से सेट करना है कि आपको इस तरीके से 96 में से 5 गए कितने बचेंगे जरा बताना मुझे, 96 में से 5 गए 91, ठीक है 91 तो आगे दोस्तों, इन दोनों की मल्टीप्लाई 5 4 20, क्या बताइए आंसर आया कि नहीं आया इसके जैसे ही। अब आप कहोगे कि ये वाला क्यों नहीं लिया, तो इसको भी ले लो जरा जरा ध्यान से देखना, 95 में से 4 गए कितने बचेंगे 91, कोई प्रॉब्लम है बिल्कुल भी नहीं, समझ में आ गया किस तरीके से किया। अब देखना जरा एक और बता दे रहा हूँ मैं आपको दोस्तों, जरा ध्यान से देखना बस ध्यान से, 98 मल्टीप्लाई बाई 81, ठीक है ये 100 के कितने नियर अबाउट है उसके हिसाब से हैं दोस्तों, ये होगा माइनस के 2 और ये हो गया आपका कौन सा 81 90 माइनस के 19, तो लास्ट में तो आ गया दोस्तों आपका 38 दो डिजिट, और बाकी इसमें से इसे घटा के लिख दो कितने बचेंगे दोस्तों, आपकी इसमें से घटाओगे तो कितने बचेंगे बताना, 79, ये आपका आंसर आ गया इनकी मल्टीप्लाई। बताइए दोस्तों अगर यूट्यूब पे आपने कहीं ऐसे इस तरीके की ट्रिक पढ़ी हो तो, ये दोस्तों हमने एक दिन बैठे हुए थे ऐसे ही है ना मजाक मजाक में, इस तरीके की माइंड में अगर आ जाते हैं आइडियाज कभी यूज किया करो अपना एक आउट ऑफ माइंड जाके, ठीक है ना, सीरियस नहीं होके बहुत ही आप एकदम है ना बहुत सीरियस ना होके दोस्तों, मैं आपको बता चुका हूँ ये +70 में काम करेगी बढ़िया, बाकी दोस्तों फिर वही कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, करेगी तो सब में फिर कैलकुलेशन बढ़ जाएगी आपकी, ठीक है फिर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, ये जो मल्टीप्लाई लास्ट वाली 2 डिजिट की करो ना फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, इसीलिए अगर दोस्तों अब देखिएगा दूसरा पॉइंट, बाकी आप करो जितने भी मैंने आपको दिए हुए हैं ये वाले, इसको आप ना प्रैक्टिस करो बैठ के अपने कॉपी पे, कम से कम इसके है ना दोस्तों आपको ना 25 क्वेश्चन करने, 25 क्वेश्चन, ठीक है, और इन क्वेश्चन का मुझे कमेंट में आंसर देना इन वाले दोनों का, और इस वाले का तो आएगा 91 20, ठीक है इसका तो मैंने बता दिया, बाकी इसका और इसका आंसर मुझे आप फास्ट दो। अगला देखिएगा जरा दोस्तों, अगर संख्या 100 से बड़ी हो और 100 के आसपास हो, 100 से तो बड़ी हो और 100 के आसपास हो, जैसे देखना जैसे 108 108 100 के आसपास ही तो है, जिससे कि मुझे ये वाली जो दोस्तों मल्टीप्लाई है ना जो मैं आपको बता रहा हूँ ये वाली, ये थोड़ी सी आपकी ट्रिक कर रहे हैं तो ट्रिक के हिसाब से होगी ना, 100 से बड़ी हो और जैसे 108 हो गई आपकी, 107 हो गई आपकी, 105 हो गई आपकी, 111 हो गई आपकी, 119 हो गई आपकी, तो मोस्टली हम यहाँ तक जा सकते हैं, ठीक है ना। देखना जरा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम, ये कितने ज़्यादा हैं 100 से, देखते हैं ये 8 ज़्यादा है और ये आपका 7 ज़्यादा है, ठीक है
चलो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, क्योंकि बाई मिस्टेक आपको नहीं दिखाई दे फिर गड़बड़ हो जाएगी। कि स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है ना, या फिर देख लेना दोबारा। चलो देखना जरा ध्यान से, आ जा भाई। ए कहाँ गया कमबख्त, आओ। 108 मल्टीप्लाई बाई 107, ठीक है। ये 100 के कितने नियर अबाउट है जरा ध्यान देना, ये प्लस के 8 है, ये प्लस के 7 है, वही स्टेप फॉलो करने और कुछ नहीं करना है। लास्ट में आ जाएगा हमारा 56, ठीक है ना। और 107 और 8 कितने हो जाते हैं दोस्तों, ज़रा बताना मुझे, 107 और 108 कितने हो जाएंगे, 115, ठीक है बताइए मुझे कितने जाएंगे दोस्तों आपके, सॉरी 107 है, 17 में से 8 गए 9, ठीक है सॉरी 107, 8, 8, 7, ठीक है। क्या था इसमें, ये मैटर था। फिर हम क्या कर रहे थे, सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, हाँ 108 में से 7 गए 101, सॉरी हट भाई कहाँ गया, हाँ ये था, ये था, हाँ ये था। कितना आएंगे दोस्तों आपके, ये आ जाएंगे 101, ठीक है ना, 101 और 56, ठीक है। 108 इंटू 107, ऐसे 102 इंटू 104 की आप मल्टीप्लाई करिए, मुझे फास्ट और बताइए दोनों, ठीक है ना, बताओ मुझे जल्दी से। 108, सॉरी 102 और 104 की, ठीक है बताओ मुझे फास्टली करके। यहाँ पे दोस्तों मुझे लग रहा है ये यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई है, ये इसमें आपका दोस्तों वही चलेगा प्लस वाला, वो डिपेंड करता है जो आपका साइन आ रहा है वही चलेगा। जैसे आपका प्लस आया ना यहाँ पे, तो 108 और 107 कितने होंगे, 115, ठीक है ना, तो यही हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर, ठीक है। वो माइनस वाले में चलेगा, प्लस वाला प्लस वाले में चलेगा, वही यहाँ पे फॉलो होगा, बट नहीं, ठीक है। तो कोई बात नहीं, चलो आया समझ में, 102 और 104। चलो एक मैं क्वेश्चन और ले लेता हूँ, 111 गुना 109, ठीक है, 111 गुना में 109, ये 100 के कितने करीब है, ये प्लस 11 करीब है और ये प्लस 9 करीब है, ठीक है ना। तो 11 निम्न 99 हो जाएंगे आपके लास्ट की 2 डिजिट, तो और बाकी दोस्तों आपका 109 और 111 कितने हो जाएंगे, 120, ठीक है। आगे आपका दोस्तों ये आ जाएगी ऑल ओवर इनकी मल्टीप्लाई, समझ में आ गया। तो ये इस क्वेश्चन का आप आंसर दो मुझे, इस वाले का। आगे चलता हूँ दोस्तों, अब दोस्तों जो आपके एग्जाम में आते हैं धीरे धीरे हम एग्जाम की तरफ बढ़ते आ रहे हैं, बार वाले क्वेश्चन आते हैं, आपने देखा होगा, जैसे 0.67 का बार का मतलब क्या है, ठीक है, ये जो आपने देखे होंगे 0.6666 लिखा रहता है, ये इसका मतलब क्या है दोस्तों, रिपीट हो रहा है, जो अंक रिपीट होता है दोस्तों इसे कहते हैं हम हिंदी में बोले तो आवर्ती अंक, कौन से स्टूडेंट, आवर्ती अंक, ठीक है। अब इसकी भी दोस्तों मैं आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक बता दूंगा, उससे आप कर सकते हो, आंख मीच के आपका 1 सेकंड में इसका आंसर आएगा, 1 सेकंड में, ठीक है ना, पर जरा ध्यान देने की जरूरत है बस। तो ये दोस्तों इस तरीके का, तो आप मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 0.6 के ऊपर बार, ठीक है, जो अंक बार बार रिपीट होता है उसका हम ऊपर लगा देते हैं बार, ठीक है ना, इसे बोलते हैं दोस्तों क्या, बार, हिंदी में भी बार ही बोल देते हैं इसको स्टूडेंट, ठीक है ना, बार वाले क्वेश्चन, ठीक, जरा ध्यान देना इस पर। सबसे पहले दोस्तों हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, इसका आंसर तो यही आ गया, ठीक है ना, इसका आंसर तो यही आ गया ना। और दोस्तों अगर जैसे इस तरीके का कि 0.6 के ऊपर बार हो, अगर आपको दोस्तों इसे फ्रैक्शन में लिखना हो तो कैसे करोगे, इसे कन्वर्ट करना आपको फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन में किस तरीके से हम कन्वर्ट करेंगे जरा ध्यान देना। चलो कोई बात नहीं, पहले तो इसको यहीं तक रोक लेते हैं सॉरी, ऐसे इसका हो जाएगा दोस्तों आपका कितना, 0.5 के ऊपर बार, ठीक है ना। ऐसे इसमें कितना है दोस्तों, इसका आप मुझे अगला बताता हूँ दोस्तों, फिर लास्ट में क्वेश्चन समझाऊंगा किस तरीके से हम करेंगे, जरा इसको ध्यान देना। इसका कितना हो जाएगा जरा देखिएगा, इस वाले का, इसको हो जाएगा दोस्तों का 0.6, कौन सी रिपीट हो रही है आपकी, 5 4 5 4 5 4 5 4, तो 5 4 के ऊपर ही बार आ जाएगा आपका, ठीक है। एक तो ये स्टेप हो गया। अब यहाँ से दोस्तों आपसे पूछे कि फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, तो बताऊंगा मैं आपको, जरा पहले इसको उनका कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है ना। देखिएगा इसको भी आप करिए, इसको इसको फिर ये क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ किस तरीके, ठीक है, जरा देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों जो हम छोड़ के आए हैं, चलो इसको ही देख लेते हैं, एक बात बता रहा हूं दोस्तों जरा ध्यान से देखना, जिसके ऊपर बार हो, जिसके ऊपर क्या हो दोस्तों, बार हो, उसका तो 9 लिखेंगे दोस्तों हम हर में, ठीक है, और जिसके ऊपर नहीं हो, जिसके ऊपर बार नहीं हो, ऊपर बार नहीं हो
ठीक है स्टूडेंट, उसका लिखेंगे हम क्या दोस्तों, कुछ भी नहीं लिखेंगे, यानी कि जीरो लिखेंगे, जीरो, वो भी हर में, जरा ध्यान देना। यानी जैसे आपका ये वाला है, अब मैं ट्रिक है दोस्तों, ये ट्रिक है, ये वाली छोटी सी ट्रिक है, सॉरी वाली ट्रिक है, ठीक है ना, जरा ध्यान देना इस पे क्वेश्चन पे। ये हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर आपको फ्रैक्शन में सिक्स, तो ऊपर ऐसे कैसे रहेगा ना, जिसके ऊपर बार है तो नौ आ जाएगा, इसका आंसर क्या, बात खत्म। आया समझ में, बताइए मुझे, अगर इसे तोड़ना हो तो थ्री टू जा सिक्स, थ्री जा नाइन, टू बाई थ्री आ गया इसका आंसर, और छोटा कर सकते हो दोस्तों इसको। ऐसे इसका कितना आएगा दोस्तों, फाइव अपॉन नाइन, ठीक है ना, इसका कितना आएगा, इसका जरा आप मुझे बताना, इस सैंतालीस वाले क्वेश्चन का आप मुझे बता देना इसका आंसर कितना आएगा। मैं आपको इसका बताता हूँ, इस वाले क्वेश्चन का जरा ध्यान देना इस पर, कितना है, सिक्स पॉइंट सिक्स फाइव फोर के ऊपर बार है, वो भी फिफ्टी फोर के ऊपर, ठीक है, फिफ्टी फोर के ऊपर तो बार है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, जरा ध्यान देना दोस्तों आप, जो जैसे छः हैं, मैं जो आप एक बात बताइए दोस्तों, जरा ध्यान देना, यहाँ पे दो के ऊपर बार है तो नाइन नाइन, जिसके ऊपर बार नहीं है उसकी जीरो आ जाएगी आपकी, ऐसी कैसी, तो जी नीचे तो आ गया दोस्तों नाइन नाइन जीरो। अब ऊपर क्या करते हैं, ऊपर का जो मैटर है वो जरा ध्यान देना, इस पूरी टर्म जैसे आप ध्यान देना दोस्तों, 654 तो मैं ऐसे कैसे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ये तो लिखनी है ऐसी एज इट इज, एज इट पूरी की पूरी ऐसी संख्या, ठीक है ना, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों, जिसके ऊपर बार नहीं होगा, जिसके ऊपर बार नहीं होगा वो उसमें से घटा दो, बस ये हो गया दोस्तों आपका। ये छोटा सा आपको स्टेप करने, इसके दोस्तों कम से कम 25 क्वेश्चन करोगे ना प्रैक्टिस, आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे दोस्तों, आपको 25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी, और ये सारे के सारे आपके माइंड में सेट हो जाएगा फॉर्मूला किस तरीके से करना है। तो फिर 654 में से 6 गए, कितने बचेंगे जरा ध्यान देना, ये जो 6 है ये वाला दोस्तों, ये वाला 6 है, ये वाला मैं कलर बता दे रहा हूँ, ये वाला 6 मैंने ऐसे कैसे वहाँ लिख दिया है, ठीक है, 654 में से 6 घटा देना, ऐसे होता है दोस्तों। तो ये कितने बचेंगे दोस्तों आपके, ये बचेंगे 8, ठीक है, 4, 648, ठीक है ना, अपॉन में 990, आप बाकी इसको आप कैंसिल आउट कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, वरना आंसर यहीं तक आ गया। समझ में आया, समझ में आया तो एक बार थम्स अप कर देना। एक बार और बताता हूँ किस तरीके से, जरा ध्यान देना, जैसे आपका आया था दोस्तों आपका 675, ये है ना, और 75 के ऊपर बार दे रखा है इन्होंने, जैसे देखना जरा 0.675, ठीक है, इसको मैं दो तरीके से बता दूंगा, काफ़ी सारे स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे पाँच के ऊपर बार करके बताओ, बिल्कुल बताऊँगा। तो आप देखना जरा पहले जो आपका जो दोस्तों डिनोमिनेटर होता है ना, उसमें 99, क्योंकि दोस्तों दो के ऊपर 12, एक के ऊपर 12 नहीं, जीरो, ऐसे कैसी, ठीक है ना, टोटल नंबर ऑफ ऐसे लिख देना, उसमें से वो संख्या घटाने जिसके ऊपर बार नहीं है, जिसके ऊपर बार नहीं है, यानी कि कौन सी स्टूडेंट, ये जैसे मान के लीजिए 6 लिखा हुआ है ना काले कलर से, तो यहाँ पे भी 6 ही लिखा जाएगा, बस ये घटा देना, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना आएगा दोस्तों आपका, 15, 6, 9, कितने बचेंगे, 6 और 6 अपॉन में 9, 9, 0, ये आ गया, बाकी आप कर लेना जो भी कैलकुलेशन पूछे आपसे। यही क्वेश्चन को अगर दोस्तों वो इस तरीके से पूछे, जरा ध्यान देना, 0.67, ठीक है ना, 5 के ऊपर 12, पता ना मुझे, सॉरी दोस्तों, ठीक है, जरा ध्यान देना इस पे से, 5 के 6, 7, 5 के ऊपर बाहर है ना, ठीक है ना, तो इसमें से क्या होएगा, 675 माइनस के 67, ठीक है ना, 67 आप घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 990, ठीक है, वही जो स्टेप बता रहा था दोस्तों मैं आपको, 675 माइनस के 67, जिसके ऊपर बार नहीं है, जिसके ऊपर बार नहीं है, समझ रहे हो ना दोस्तों क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बार 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 बार, ठीक है ना। तो यही दो सारे स्टेप हैं दोस्तों, इन सभी क्वेश्चन का आप मुझे आंसर कर देना बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है ना। और ये मैंने दोस्तों आपको करा दिया थोड़ा सा बेसिक, जो मुझे आपको बताना था, कल की क्लास में दोस्तों हम मिलेंगे अलजेब्रा के साथ। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपको जो है ना 1 से लेके 30 तक जो है ना आपको दोस्तों, 1 से लेके 30 तक तो स्क्वायर याद कर लेना, 30 तक तो स्क्वायर याद ही कर लेना बिल्कुल एकदम टिप पर, ठीक है ना। बाकी दोस्तों 30 से लेके ऊपर के जितने भी स्क्वायर होंगे वो आप मुझे बता देना, उसके लिए दोस्तों के लिए ट्रिक लिया जाए बहुत अच्छी ट्रिक है, जैसे 50 का स्क्वायर कितना होता है, ओ सॉरी 55 का स्क्वायर कितना होता है, 56 का स्क्वायर कितना होता है, सब कुछ बता दूंगा, ठीक है ना। इसके लिए आपका एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, a+b का स्क्वायर वाला फॉर्मूला, उसके हिसाब से मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ऐसे स्क्वायर रूट आपको याद कर लेना, स्क्वायर रूट कम से कम दोस्तों, कम से कम 1 से लेके 20 तक तो करना ही करना है, ठीक है। सॉरी स्क्वायर रूट नहीं, सॉरी क्यूब रूट, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, चलो कोई बात नहीं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, रुक जाओ जरा, मैं सोच रहा था यहाँ पे क्यूब लिखे हुए हैं,
कोई बात नहीं, स्क्वायर रूट भी आप दोस्तों इसका अपोजिट होता है, इसका अपोजिट ही तो होगा। जैसे आप मान के चलिए कि 30 का स्क्वायर कितना होगा, 30 का स्क्वायर कितना होगा स्टूडेंट्स, 900। ठीक है, तो 900 का अगर कोई पूछेगा स्क्वायर कितना होगा 30, तो ये तो आप ओबियस से याद कर सकते हो, ये तो आपने एक दूसरे के क्या है उल्टे पुल्टे हैं। ठीक है ना, मैं बात कर रहा था क्यूब की, तो क्यूब भी दोस्तों आपको कम से कम आपको ये 20 याद कर लेनी है। ठीक है, कोशिश करना आप इसको 30 तक कर पाओ, कोशिश करना 30 तक कर पाओ। ठीक है ना, तो 20 तक तो कर ही लेनी है। ठीक है, देखिएगा जरा, जैसे आपसे पूछ लिया कि 11 की क्यूब कितनी होगी, 12 की क्यूब कितनी होगी, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। अभी कभी एग्जाम में दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन आ गए, जरा ध्यान देना कि आपका जैसे 1331 ठीक है प्लस 121 ठीक है प्लस आपका से, हाँ 2884 मान कर चलो। ठीक है ना, वो आपसे इसका आंसर पूछे, पता लगा बेहोश, क्योंकि क्यूब है ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है। ठीक है, तो इस वजह से मैं आपसे कह रहा हूँ दोस्तों, एक क्वेश्चन आपका इस तरीके का एग्जाम में आएगा ही आएगा निश्चित है। ठीक है ना, इसलिए आपसे कह रहा हूँ मैं बार बार। तो ये किसका है दोस्तों, 11 की क्यूब है प्लस ये दोस्तों 11 का स्क्वायर है और ये दोस्तों 28 का स्क्वायर है। ठीक है, इन सभी को ऐड कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा निकल के, कहानी खत्म हो जाएगी इस क्वेश्चन की, और इसका आंसर आ जाएगा आई थिंक मेरे 11 11 22 28 40। ठीक है ना, इसी वजह से दोस्तों मैं आपको कह रहा हूँ। बाकी दोस्तों आप मुझे बता देना कि कल की क्लास में मुझे क्या एलजेब्रा इंक्लूड करना है कि नहीं करना है। ठीक है ना, क्योंकि दोस्तों आपकी फंडामेंटल अर्थमेटिकल में तो दोस्तों आपके इसी तरह के क्वेश्चन होंगे। फिर एक क्वेश्चन दोस्तों जो आपका आता है वो स्टेप वाला आपने देखा होगा, ये कौन सा दोस्तों, एक फ्रैक्शन वाला, सॉरी फ्रैक्शन वाला जो होता है दोस्तों, कौन सा, एक प्लस के एक, एक प्लस के एक बटे दो, इस तरीके के, ये सारे के सारे पास मेरे पास में इनकी बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक है ना, तो सब कुछ बता दूंगा, कोई बात नहीं दोस्तों। आप मुझे कमेंट कर देना एलजेब्रा में इंक्लूड करूँ क्या नहीं करूँ। तो चलिए दोस्तों, गुड बाय, थैंक यू ऑल ऑफ यू, और साइंस की क्लास दोस्तों आपकी रेडी है, आ जाना बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है ना, चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में।